डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारी, बदलावों की जानकारी, गतिविधियों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया, और इसके अलावा बहुत कुछ हम आपको बताते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालते हैं आज क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। कृषि 4.0 कृषि पद्धतियों में चौथी क्रांति की तरह है। इसे स्मार्ट खेती या डिजिटल खेती भी कहा जा सकता है। इसके बारे में कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के उपायुक्त डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया। आइए क्या कुछ कहा है उन्होंने, दिखाते हैं आपको। किसान भाइयों, आज हम एग्रीकल्चर 4.0 यानी कि कृषि 4.0 के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। यह लेटेस्ट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर यानी जो नवीनतम नवाचार है जो कृषि के क्षेत्र में हो रहे हैं, जो आधुनिक वो हो रहे हैं, उसी को एग्रीकल्चर 4.0 कहते हैं। और इसमें स्मार्ट एग्रीकल्चर और डिजिटल एग्रीकल्चर आता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसा कि आप जानते हैं कि ऑटोमेटेड खेती होता है, या 1000 किलोमीटर दूर से भी अपने इंटरनेट के माध्यम से खेती होती है। आप अपने खेत की मोटर 1000 किलोमीटर दूर से चला सकते हैं या फार्म को मेंटेन कर सकते हैं, ऑटोमेशन पे फार्म रहता है। और डिजिटल एग्रीकल्चर को आपको पता ही है, सारी चीज़ों के ऐप्स बन रहे हैं आजकल, मौसम की जानकारी है उसके भी ऐप है, और सारी योजनाएं जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसके लिए भी ऐप बनाए जा रहे हैं। जो फसल बीमा होता है उसके लिए भी ऐप पे जानकारी दिया जाना शुरू हो गया है, तुरंत पहुंच जाता है जानकारी उससे। और डिजिटल एग्रीकल्चर का नए बजट में भी काफ़ी प्रावधान किया गया है, सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर की एक स्कीम भी ला रही है। तो यह सभी चीज़ें एग्रीकल्चर 4.0 या कृषि 4.0 के अंतर्गत आता है। और ये जो इसमें जो नवीनतम ड्रोन्स की आजकल आप सुनते होंगे, यह भी एग्रीकल्चर 4.0 में आता है। ड्रोन्स के माध्यम से आप स्प्रे तो कर ही सकते हैं दवाइयों का और पेस्टिसाइड्स का, लेकिन आजकल खाद का भी स्प्रे होने लगा है। नैनो फर्टिलाइज़र वगैरह है, उसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। ड्रोन्स इमेज प्रोसेसिंग के भी काम आते हैं कि मौसम की जानकारी लगाने के काम आते हैं, या फिर जैसे कि कुछ इंसेक्ट जैसे टिड्डी दल वगैरह है उनका प्रकोप को कम करने के लिए भी, उनसे लड़ने के लिए भी काम में आ जाते हैं। ड्रोन के माध्यम से आप इमेज प्रोसेसिंग की तकनीक से इसको ये भी देख सकते हैं कि कितनी फसल की उत्पादन कितना है। जो पहले क्रॉप कटिंग पे बेस्ड होता था वो इतना एक्यूरेसी नहीं आता था, अब हम फसल का भी अनुमान लगा लेते हैं कि कितनी फसल हो रही है। तो कुल मिलाकर एग्रीकल्चर 4.0 इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा स्ट्रक्चर की विद्याओं का, कंप्यूटर की विद्याओं का, इंटरनेट का इस्तेमाल खेती में करना लेटेस्ट, इसको ही एग्रीकल्चर 4.0 कहते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। दिल्ली के पूसा में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न राज्यों से आए किसान संगठन के प्रतिनिधियों से चर्चा की। आइए इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह जी के साथियों से, ठेनवा जी से, धर्मेंद्र जी और उनकी पूरी टीम, और देश भर के उनके प्रमुख साथी आज यहाँ आए थे, आमंत्रित थे। और मुझे प्रसन्नता है कि किसान और खेती से संबंधित कई विषयों पर उनसे बहुत गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई है। अब तक जो प्रयास किए, जैसे कल रबी की MSP ही बढ़ी है, उस सहित जितने प्रयास प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA BJP की सरकार कर रही, उसकी जानकारी भी दी और उनसे अनेकों महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। उनमें उनके रचनात्मक सुझाव भी बड़ी मात्रा में हैं। उन्होंने कहा कि एक मॉडल कृषि फॉर्म बनना चाहिए जिसमें अगर 2 एकड़, 1.5 एकड़ या 2.5 एकड़ ज़मीन किसी किसान के पास है तो वो कैसे खेती करे।
और उसको कैसे वो प्रॉफिट की खेती कर पाए। और उदाहरण वो साथ लेके आए थे संजीव जी को कि जो एक एकड़ में प्रॉफिट की खेती, फायदे की खेती कर रहे हैं। उन्होंने पानी पहुंचाने को लेके, उर्वरकों के उपयोग से लेके, मिट्टी को स्वास्थ्य बनाए रखने को लेकर, प्राकृतिक आपदा में नुकसान जो हुआ है उसके कारण जो तकलीफें, कोई चीनी मिल बंद थी उसके भी विषय उन्होंने उठाए हैं, और सड़क पर जो पशु है उस समस्या की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने श्री अन्न को कैसे बढ़ावा मिले इसके भी सुझाव दिए हैं। अनेकों बहुत महत्वपूर्ण उनके सुझाव आए हैं, हम सब पर गंभीरता से विचार करके जिनके समाधान संभव है हम उनके समाधान गंभीरता से खोजेंगे। कई विषय राज्य सरकार के, तो राज्य सरकार के विषय राज्य सरकार को भेजे जाएंगे, और केंद्र सरकार के विषयों पर हम कार्रवाई करेंगे। ये किसानों से संवाद बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जमीन की समस्याओं की सीधे किसान से हमको जानकारी मिल रही है। दिल्ली के पूसा में केंद्र कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किसानों के हित के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें रबी की 6 मुख्य फसलों के MSP में बढ़ोतरी करना भी शामिल है। आइए इसी पर आधारित और जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल की समिति ने रबी की फसल, जो 6 मुख्य फसल होती है, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज घोषणा की है। और अब रबी की फसल के जो दाम हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के, गेहूं के, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, उनके प्रति क्विंटल जो नई दरें हैं, गेहूं 2025-26 के लिए 2425 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, जो कि MSP बढ़कर 1980 रुपये होगी। चना 5650 रुपया क्विंटल, मसूर 6700 रुपया प्रति क्विंटल, रेपसीड और सरसों 5950 रुपया प्रति क्विंटल, कुसुम 5940 रुपया प्रति क्विंटल। पिछले साल से जो वास्तविक वृद्धि हुई है MSP में, गेहूं की MSP में वृद्धि 150 रुपये प्रति क्विंटल की हुई है, जौ में 130 रुपये प्रति क्विंटल, चना 210 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 275 रुपये प्रति क्विंटल, रेपसीड और सरसों 300 रुपये प्रति क्विंटल, और कुसुम 140 रुपया प्रति क्विंटल। ये MSP बढ़ी है और लागत पर जो लाभ दे रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने तय किया था कि वास्तविक लागत पर कम से कम 50% मुनाफा देकर, लाभ देकर किसानों की फसल को खरीदेंगे। लागत पर जो लाभ अब है प्रतिशत के हिसाब से, गेहूं पे 105%, जौ पर 60%, चने पर 60%, मसूर पर 89%, सरसों पर 98% और कुसुम पर 50%। किसानों के हित में एक नहीं अनेकों फैसले लगातार किए जा रहे हैं, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, अभी पिछले दिनों फैसला हुआ कि जल्दी खराब होने वाली फसलें, जिनमें मुख्य रूप से सब्जियां होती है,
टमाटर आलू प्याज, एक तरफ हम देखते हैं जो उत्पादक किसान है उसको कम रेट मिलता है और दूसरी तरफ दूर महानगरों में काफी महंगी बिकती है और किसान ट्रांसपोर्टेशन की लागत के कारण जहां पैदा करता वहां से बड़े शहरों तक ला नहीं पाता। और इसलिए ऐसी फसलों के लिए भी यह फैसला किया है कि वो फसलें सब्जियां महानगरों में आकर बेची जा सकती है और ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा लगेगा वो सरकार वहन करेगी। किसान को ठीक दाम देना ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आज उसी के अनुरूप MSP की नई दरें घोषित की गई हैं। एक तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य निरंतर बढ़ाते जाना, उस पर खरीदने का काम राज्य सरकारों के साथ मिलकर करना और दूसरी तरफ आयात निर्यात नीति में भी परिवर्तन, जैसे खाद्य तेल के आयात पर पहले 0% ड्यूटी थी, इसलिए सस्ता खाद्य तेल आ रहा था तो सोयाबीन की जो रेट थे काफी नीचे चले गए थे, अब 27.5% ड्यूटी लगती है। इसी सरकार ने फैसला किया, उसके कारण सोयाबीन के दाम बढ़े। सोयाबीन को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का फैसला सरकार ने किया, जिन राज्य सरकारों ने मांगा मध्य प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र, और वैसे ही प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, घटा के 20% कर दी ताकि प्याज बाहर जाए, यहाँ के किसानों को ठीक रेट मिले। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध भी हटा लिया गया है और बासमती पर भी जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी हुई थी वो समाप्त कर दी गई है। इसके कारण MSP के अलावा भी किसान को ठीक दाम मिले, उसका काम ये सरकार कर रही है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। अगर आप सोयाबीन किसान हैं तो आपके लिए एक खास अवसर है। राज्य सरकार ने सोयाबीन की सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2024 तय की है। इस बार सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP RS 4600 प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि अगर आपकी फसल की बाजार में कीमत कम रहती है तो सरकार इस निर्धारित मूल्य पर आपकी फसल खरीदेगी, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। पंजीकरण प्रक्रिया के लिए किसानों को मध्य प्रदेश की ई उपार्जन पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। इसके बिना आप सरकारी खरीद का लाभ नहीं उठा सकेंगे, तो अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है तो जल्द ही कर लें। यह एक सुनहरा अवसर है, खासकर उन किसानों के लिए जो अपनी फसल को सुरक्षित मूल्य पर बेचना चाहते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी मेहनत का सही दाम मिले और बाजार की अनिश्चितताओं का सामना न करना पड़े। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है नजर डालने का हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों हमें अच्छी उपज चाहिए, इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने खेत की मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाए रख सके। इसके लिए क्या जरूरी है कि हम बेहतर तरीके से उसकी देखभाल करें। तो किस तरह से मिट्टी की देखभाल बेहतर तरीके से की जा सकती है, उसे स्वस्थ बनाए रखा जा सकता है, आइए जाने हमारे सेगमेंट के माध्यम से। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें से अगर किसी भी तत्व की कमी हो जाए तो समझ लीजिए मिट्टी बीमार है। जांच के बाद पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है और किसकी नहीं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरह का पोषण चाहिए। जांच के बाद हमारे वैज्ञानिक उस फसल के हिसाब से पोषण की सलाह देते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन सा तत्व कितनी मात्रा में डालना है। इसका मतलब हुआ कि मिट्टी की जांच उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकती है और कम लागत में ज्यादा पैदावार दिलाती है। जिस तरह इंसानों में अलग अलग बीमारियों का पता लगाने के लिए खून की जांच की जाती है, उसी तरह मिट्टी की बीमारियों का पता लगाने के लिए उसकी जांच होती है। इस प्रयोगशाला में मिट्टी के पीएच, विद्युत चालकता, जैव कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश वगैरह की जाँच की जाती है। खरीफ फसलों के लिए अप्रैल मई में और रबी फसलों के लिए अगस्त सितम्बर में नमूना लिया जाता है। जाँच के बाद किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। इस किसान को जांच के लिए नमूना लेने का अनुभव है। इन्होंने सबसे पहले घास को हटा दिया है ताकि साफ सुथरी मिट्टी मिल सके। इनके पास एक बर्मा है, इसकी मदद से ये 15 सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी निकाल लेंगे। लेकिन सिर्फ एक जगह से ही नमूना लेना काफी नहीं है, सटीक परिणाम के लिए 10-12 जगह से नमूना लेना होगा। जिन किसानों के पास बर्मा नहीं है वो कुदाली से भी काम ले सकते हैं। कुदाली से अंग्रेजी के वी आकार का 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदना होगा और फिर एक किनारे से ऊपर से नीचे की तरफ 2-3 सेंटीमीटर की परत निकालनी होगी। इस किसान ने हर नमूने को साफ कागज पर रखा है ताकि मिट्टी में कोई बाहरी गंदगी ना आ सके। अब इन्होंने सभी नमूनों को आपस में अच्छी तरह मिला दिया है और मिलाई हुई मिट्टी को साफ सतह पर समतल बिछा दिया है। उंगली से इसके 4 बराबर भाग किए हैं। आमने सामने वाले 2 हिस्सों को निकाल कर अलग कर लिया गया है और बाकी मिट्टी को फिर 4 भागों में बांट लिया है। आमने सामने वाले 2 हिस्सों को फिर से हटा दिया गया। ऐसा तब तक करेंगे जब तक नमूने का वजन आधा किलो ना रह जाए। आधा किलो नमूने को साफ कपड़े या पॉलिथीन रख दिया जाएगा और इसके साथ एक पर्ची भी। पर्ची पर किसान का नाम, पता, प्लॉट नंबर या कोई और तरीका जो खेत की पहचान कराता हो लिख दिया गया है। इसी तरह मिट्टी की किस्म दर्ज करेंगे, मिट्टी बारानी है या सिंचाई सुविधा वाली, ये भी लिखा जाएगा और सिंचाई का साधन भी बताना होगा। इसके अलावा जल निकासी की जानकारी, बोई हुई फसल का नाम, आगे बोई जाने वाली फसल का नाम और जैविक खाद जो डाला गया हो वो भी लिख देंगे। खेत में अगर कोई समस्या है तो वो भी लिख दिया जाएगा, जैसे कम पैदावार वगैरह। सबसे नीचे नमूना लेने की तारीख और किसान के हस्ताक्षर होंगे। इस पर्ची की 3 प्रतियां होंगी। पहली नमूने वाली थैली मके अंदर रखी जाएगी, दूसरी बाहर बांधी जाएगी और तीसरी को किसान अपने पास रख लेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर इसे प्रयोगशाला भेजना होगा वरना जांच सही नहीं होगी। याद रहे नाली की जमीन, पेड़ के पास की जमीन या खाद के ढेर से नमूना नहीं लेना है। हरी खाद, कंपोस्ट या रासायनिक खाद डालने के तुरंत बाद भी नमूना लेना सही नहीं है। इस तरह खेत के गीला होने पर भी नमूना नहीं ले सकते। खाद के बारे में नमूना बिल्कुल ना भरे और मेड़ों से करीब 2 मीटर दूरी तक भी नमूना ना ले। वैसे तो बाजार में मिट्टी परीक्षण किट भी मौजूद है, किसान चाहे तो खुद भी मिट्टी की जांच कर सकते हैं, लेकिन इससे सीमित जानकारी ही मिल पाती है। सही जानकारी प्रयोगशाला से ही मिलेगी। जांच के दौरान अगर मिट्टी में जैव कार्बन 0.5 से कम हो तो मिट्टी निम्न वर्ग की होगी, 0.5 से 0.75 हो तो मध्यम वर्ग की और 0.75 से ऊपर हो तो उच्च वर्ग की होगी। नाइट्रोजन की मात्रा 280 से कम होने पर निम्न वर्ग, 280 से 560 होने पर मध्यम वर्ग और 560 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग में आएगी। फास्फोरस 23 से कम हो तो निम्न, 23 से 56 होने पर मध्यम और 56 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग की होगी।
पोटेशियम की मात्रा 130 से कम हो तो निम्न, 130 से 335 हो तो मध्यम वर्ग और 335 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग की कहलाएगी। अब किसान इसी के आधार पर खाद दे सकते हैं। बहुत कम जैव कार्बन वाले खेत में प्रति हेक्टेयर 15 से 16 क्विंटल कंपोस्ट डालना है। कम जैव कार्बन वाले खेत में 14 क्विंटल, मध्यम में 10 क्विंटल और उच्च में 5 क्विंटल खाद डालनी होगी। अति उच्च जैव कार्बन वाले खेत में जैविक खाद की जरूरत नहीं होती। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ, किसी की फसल होई? बेटा फसल तो ठीक का है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जला के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जला के? हाँ। ताऊ, तू पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली मारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के होते हैं। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, दिखाते हैं आपको हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एक ऐसा कार्ड है जो हमारे किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। अगर आपको किसी भी समय अपने खेती के दौरान कुछ पैसों की ज़रूरत है, किसी ऋण की ज़रूरत है, तो इसके माध्यम से आपको आसानी से ये सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो किस तरह से आप बनवा सकते हैं अपना KCC और अपने लिए इसे फ़ायदेमंद बना सकते हैं, आइए आपको बताएँ सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह KCC पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में KCC में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है।
किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि। सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप वो हम तक पहुँचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको बता दें हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।